हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। यार अंकल देख रहे हैं, शर्म आती है मुझे थोड़ी। ओकवर्ड हो जाता है, ओकवर्ड। मैं कहती हूँ यार आज कल, सॉरी तुम लोग मुझे कंफ्यूज करो। फेब्रुअरी कल हमारा वो है, क्या है, एथिकल एथिक एथिकल डे। अपने आप ही बना दो तुम दिल दिल एथिकल हैकिंग दिमाग में घुसी हुई है। हमारा कल एथनिक डे है तो हमें कुछ एथनिक पहनना है, और मेरे को अभी तक आउटफिट डिसाइड नहीं हो रहा। पता, मैंने ना आउटफिट सोच लिए थे, ठीक है, और मुझे लगा कि लोग एकदम पहन के आएंगे अपने ट्रेडिशन का कुछ ना कुछ। वो तो मैंने अपनी दोस्तों से बात कर ली, उनसे पूछ लिया कि तुम क्या पहन के आ रहे हो, वरना मैं चली जाती अलग से अनारकली बन के, बेइज्जती हो जानी थी, सब मुझे ही घूरते रहते। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ऑलरेडी, अगर मैंने ऐसा कुछ डाल लिया होता तो पता नहीं क्या होता, मेरी जिंदगी खराब हो जाती, पूरे लोग मुझे ऐसे ही आ सकते। पर अभी जाके हम आउटफिट डिसाइड करेंगे, फिर तुम लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या पहनूंगी। मैं मन भी नहीं कर रहा, पर मन भी बहुत कर रहा। यार आई एम लाइक लिटरली इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड, और मैंने आउटफिट इतनी मुश्किल से डिसाइड किया, वो मैं कल तुम्हें सुबह दिखाऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ। मतलब आई हैव पहनोड इट, लाइक पहले भी मैंने पहना है वो, पर मैंने ना वो पहनी थी रोज़ वाली क्लिप उसके साथ, और मेरी रोज़ वाली क्लिप मैं घर पर भूल के इतना रिग्रेट हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा मुझे अपने ऊपर। तो मैं कल सुबह ड्रेस अपूँगी, अभी मैं सीधा नहाने जा रही हूँ, सीधा आके सो जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा गंदी वाली नींद आ रही है सच्ची। इतना क्लासेस होते हैं ना, पता नहीं क्या यार, मुझे लगता था कॉलेज में इतने मजे होंगे कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ नहीं होता इधर पे, उल्लू बना रखा है यार। अब जल्दी से फ्रेश हो जाता है, सुबह तो हो ही गई हमारी, फ्रेश होकर जाएंगे कॉलेज, और फिर नहीं फ्रेश होकर तैयार होंगे फिर जाएंगे कॉलेज। पहले मैं अपना पूरा जाके मेकअप वगैरह सब कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है, और फिर उसके बाद जाके जाऊँगी तब कपड़े पहनूंगी। क्या बोल रही हूँ मैं, कैसे बोल रही हूँ, पहले मैं जाके अपना मेकअप वगैरह सब कर रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, उसके बाद जाके मैं अपना पूरा आउटफिट पहनूंगी। गाइस दिस इज माय लाइक बेस पार्ट, ये टॉप मैं डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ ये साड़ी, अभी से स्टार्ट करते हैं। यार मुझे मेरी माँ की इतनी ज़्यादा याद आ रही ना, एक वही औरत है जो मेरे लिए पेशेंटली वेट करती जब तक मैं साड़ी डाल ला लूँ, वही मेरे को पहनाती थी, मुझे अकेले डाली पड़ी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। गाइस दिस इज माय आउटफिट एंड मैंने हील्स नहीं डाली, मैंने हील्स नहीं डाली क्योंकि मैं इतनी देर तक हील्स में नहीं चल पाऊंगी। मैंने ये वाली चप्पल डाली और मैं भागी बहुत लेट अभी। यार पता, मुझे लगा था मैं थोड़ा सबसे कम होंगी इधर पे, सबसे ओवर ड्रेस में ही लग रही हूँ, कोई भी ड्रेसअप होके नहीं आया, अकेले मैं ड्रेसअप होके नहीं, वैसा लग रहा है। अभी तुम लोगों को अभी हमें रील भी शूट करने, मैं तब दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हूँ, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर, मैं क्या करूँ, देखते हैं मेरे हाथ देखो, खुद ही कर रही। ये तो मेरे दोस्त लोग पता नहीं कहाँ, पता है साड़ी तब से गिरती जाती थी, मैंने एक आंटी से हेल्प ली, मैंने बोला आंटी प्लीज़ बात तो, वरना मेरी बेइज्जती हो जा रही है सबके सामने। देखते हैं यार कहाँ गई है। मैंने अपना फोटो शूट कर लिया, इन लोगों को देखो, इनका एथनिक वेयर देखो, बिना झुमके के तो ये बंदरिया लगते हैं, बंदरिया वो तो मैंने इन्हें झुमके दिए तब लग रहे हैं, तब जाके इनका लुक थोड़ा हुआ, वरना तो क्या ही बोलूं। जाओ अपना अपने अपनी लुक देखो, ये कैसी लग रही है, तुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा पहन पहले अपना, बस बोलने आ जाती है, दांत में ना कीड़े फंसे हुए, झुमका बरेली के बाजार पे झुमका। अब कर अच्छी लग रही है। अब अभी ना हमें रील शूट करने जाना है, उसके बाद आज रैंप वॉक भी है, मैं रैंप वॉक पता नहीं, ये लोग तो आएंगे नहीं क्योंकि तुम्हारी तो क्लास है ना, हमारी भी क्लास है यार स्पाइडरमैन स्पाइडर बचपन में नहीं लगता था स्पाइडर काटेगा तो स्पाइडर बन जाएगा, इतना मन करता था, बने ही नहीं कभी। अच्छी लग रही है आज, थैंक यू पालियो आगे। गाइस हम कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता, इतनी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम शूट कर रहे हैं, एक रील शूट करने के लिए इन्होंने 50 मिनट ले लिया है। कहाँ जा रही है? एमबीटी यूनिवर्सिटी के बच्चे। यार अभी हमने रील शूट करी है, मैं आ भी रही होंगी इस पैसे, अभी हमने रील शूट करी है, और अभी क्या बोलते हैं, क्या उन्हें बोला है, अभी हम रैंप वॉक करने वाले हैं, और मैं देखूंगी पहले, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो नहीं करूंगी, अगर बहुत सारे लोग नहीं होंगे तो ही करूंगी, वरना तो मेरे को लगता नहीं है मेरी औकात है इतने लोगों के सामने वॉक करने वाली। पलट पुलट गई तो सबके सामने बेइज्जती अलग, सबसे पहली डाल देगी मेरी वीडियो फिर कैरिसा ऑन द फ्लोर डांस फ्लोर वो करने लगूंगी, हाई गर्मी वो लोग कहाँ है यार, केसर और शिविका क्लास लगाने गए हुए
अभी तो एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा मजा होने वाला है, देखते हैं कि कैसे जाता है वो, मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, कोई अच्छा सा कर दे, कुछ मजा ही आ जाए एकदम से। That was it for the vlog and it was pretty nice day. आज हमने मजे करे थोड़े बहुत और बस इतना ही। चलो अब next vlog के लिए इंतजार करना। Bye, love you.